उनके गुरु हो गए, बड़े बड़े संत आसाराम का पुत्री का पुत्र गुरु काली बाली, जिनका दावा है वो तो ये कहते हैं हम आप लोगों को स्वर्ग पहुंचा देंगे। थोड़ी सी बात समझना और विचार करने योग्य है, अगर अच्छी लगे तो मान लेना, खराब लगे तो हमारी वापस कर देना। जरा ये बताओ, आपने अपने माता पिता को तो पानी दिया है और जय भद्रम के पास आप करने जा रहे हो, आपके घर में गाय भैंस बकरी वो प्यासों तड़प रही है, लेकिन तीर्थ करके हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, जबकि भगवान ने कहा है हर जगह व्यापक ऊपर नजर आना नहीं और योग साधन के बिना कोई उसे योग का मतलब समझते। योग को ये नहीं कि हम समाधि लगा के बैठ रहे हैं, योग का ये नहीं है कि हम माला घुमा रही है, योग ये नहीं है कि हम चार लोग इकट्ठे हो गए प्रवचन कर रहे हैं उपदेश दे रहे हैं, ये भी योग नहीं है। लोग कहते हैं भैया चलो सत्संग करने चलेंगे, सत्संग में सत्य की बात यदि आपको समझ में आ जाए तो सत्संग है, और सत्संग में हम क्या करते हैं, जैसे उसमें भी हम किसी ना किसी की कथा सुनाते उदाहरण देते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को नहीं देखा कि जो चीज हम कह रहे हैं वो कोई और सुन रहा है समझ रहा है या हम ही स्वयं मान रहे हैं। जब तक हम स्वयं उसको नहीं मानेंगे तब तक उस रास्ते पर हमें किसी बात की सफलता नहीं मिलेगी। तो अगर भागवत को सुनने से लोग तर जाते, अगर भागवत को केवल सुनने से लोग तर जाते तो हम तो छोटी सी भागवत करना देवकी नंदन पाराशर श्री कृष्ण ऐसे बड़े बड़े व्यास हैं जिनकी करोड़ों रुपए पंडाल में खर्च होता, पंडाल में केवल भंडारे की तो छोड़ो, बिना एक चुया में तार पाई एकाध को परीक्षित कर जाए तो जाने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। हम ईश्वर को रिस्पेक्ट को समझते हैं लेकिन क्यों नहीं करे, वो ये इसी कथा इस कथा को गोकर्ण ने अपने भैया भद्रकाली को सुनाया, उस कथा का काम हो गया। इसी कथा को सुखदेव जी ने परीक्षक को सुनाया था, उसका तारण कर्म हो गया, लेकिन कईयों के व्यास सुनाई नहीं पा रहे, तार ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं तार। व्यास जी सोच रहे हैं 51,000 में हमारी भागवत बुक है तो कम से कम 51,000 चढ़ोती आती है और रोज से वो 17 अंगूर खरीदे चलो ठीक है। ये तो है कथावाचक की दिमाग की सोच, और जो कथा कराना वो ये सोचता है व्यास जी को हमने 51,000 में बुक किया है, हमारी कथा पूरी होनी चाहिए टाइम से होनी चाहिए और पैसा अब हम देंगे नहीं, चाहे कितना उसे धराए जाए हम भरेंगे नहीं हमारी तो बुक ही। तो दोनों आपस में ऐंचा तानी में पड़े रहते हैं तो कथा का सार मिले किसी ना, कथा का भयन को बैराग है और वालों को बैठा के, तो भैया भागवत थोड़ी तुम्हें तार है उसको सुनो समझो तभी तार कर लो, करोड़ों रुपए पंडाल में लगे फिर भी वो कहते हैं व्यास जी 51,000 रुपए गौ दाने के लिए हमारा आश्रम चला है और 1,00,000 के लिए हमने विद्यालय खोला है, वृद्ध कन्याएं पढ़ती हैं,
व्यास यम ब्रह्म वेदांत विहो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम वदन्ति, जिसकी बुद्धि ब्रह्म के समान। यम ब्रह्म वेदांत, वेदांत से मिश्रित, और जिसको बुद्धि परमात्मा से जुड़ी है, कनेक्ट है, उसे माया से मतलब खत्म हो जाता है। जरा अंदाजा लगाओ, इसी कथा को आप सुनेंगे आगे, हम बता रहे हैं जिस समय राजा परीक्षित को शल्की ऋषि ने श्राप दिया था, क्या उन्होंने मुहूर्त विचार कर श्राप दिया? या सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए थे, उनसे सुखदेव जी से कोई कहने नहीं गया था कि आ करके हमें कथा सुनाइए? स्वयं सुखदेव जी बद्रिका आश्रम से अपनी तपस्या को छोड़कर हरिद्वार में जाकर राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। ना तो भैया हम सुखदेव जैसे भाई व्यास हैं, और ना ये राजा परीक्षित जैसे श्रोता। क्यों? जिस समय परीक्षित ने अपना दिल्ली का सर्वस्व त्याग कर गंगा की रेत में सिंहासन, मिट्टी की बेलू, बालू की बेदी बनाई थी, उस पर सुखदेव जी ने कथा सुनाई। आज हम इतना पैसा खर्च करके भी कथा का आनंद नहीं ले पाते हैं। क्यों? अच्छी कथा हमें लगती नहीं है, हमें क्या अच्छा लगता है? सत्संगी के भूखे भगवानी, सत्संगी के भूखे भगवानी, भोजन से भूख नहीं। इसको समझने के लिए
ईश्वर ये नहीं कहता है कि आप घर को छोड़ दो, सब को त्याग दो, जंगल में जाके प्रार्थना बन जाओ। नहीं, घर बैठे भजन करिए। कैसे? घर बैठे बन जा फकीर रे तू काय को इत कथा तो हम
जो आप लोगों ने सुनी है वही कथा गोवर्धनकारी ने भी सुनी है, लेकिन सुनने सुनने में फर्क हो गया। कैसा फर्क हो गया? आप लोग बैठे तो पंडाल में थे, मैं विचार कर रहा था हम तो मेरे बैठे हैं, आज हमारी दुकान खोली होती तो कोई ग्राहक आता या बैठे हैं, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। इन चिंताओं से आपको कथा का असर नहीं पड़ा। अब कुछ लोग सोच रहे थे देखें व्यास जी का कथा कैसी कहते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं देखें कथा कहाँ सही बोलते हैं कहाँ गलत बोलते हैं।